वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। स्वागत है आपका जनसत्ता पर, मैं हूं आपके साथ हंसिका सारडा। विराट कोहली को कैप्टन बने एक अरसा हो गया है, लेकिन उनका सिक्का लगातार चल रहा है। रन मशीन कोहली एक के बाद एक जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कहीं क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स उन्हीं के नाम ना हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि अब कोहली ने कौन सा नया रिकॉर्ड तोड़ दिया, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल रांची टेस्ट के आखिरी दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को 202 रनों से रौंद दिया। इसी के साथ ही भारत जीत गया और उसे फ्रीडम ट्रॉफी सौंपी गई। इस सीरीज को भारत ने जिस रोचक अंदाज में जीता, वो वाकई विराट जीत थी। टीम इंडिया ने अफ्रीका को 3-0 से हराया। बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी बेहद उम्दा प्रदर्शन किया। अफ्रीका की टीम पहली पारी में ही 162 रनों पर ढेर हो गई। वहीं कैप्टन विराट कोहली ने अफ्रीका की टीम को फॉलो ऑन भी दिया। ये आठवां मौका था जब किसी एक भारतीय कप्तान ने टेस्ट इतिहास में सामने वाली टीम को फॉलो ऑन दिया है। इसी के साथ ही विराट कोहली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके कप्तानी में टीम इंडिया ने 7 बार फॉलो ऑन दिया था। फॉलो ऑन देने में अभी तक पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ही सबसे आगे थे। वहीं अजहरुद्दीन के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 5 बार और सौरभ गांगुली ने अपनी कैप्टनशिप में 4 बार फॉलो ऑन दिया था, लेकिन कोहली ने तो 8 बार फॉलो ऑन दिया है। इस तरह कोहली अब तक के सबसे अधिक फॉलो ऑन देने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज टीम इंडिया ने इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। टीम इंडिया का ये 27 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप है। आपको बता दें कि रांची टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहली पारी में ही 9 विकेट पर 497 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 162 रन ही बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को 335 रनों की बढ़त मिली थी, जिससे अफ्रीकी टीम फॉलो ऑन नहीं बचा पाई, जिसके बाद उन्हें फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा। टीम इंडिया के बेहतर प्रदर्शन और विराट कोहली की इस कामयाबी पर हम दोनों बधाई देते हैं। आप भी कोहली और टीम इंडिया को बेस्ट विशेष देना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब कर लें।